इतनी अवली है ना, बताएं क्या कह रहे थे। तूने मेरा ही लगाया हुआ पकड़ना था। नहीं देख गुस्सा कर रहे हैं ना। हाँ आपके ओंठ के ऊपर चाय लगी हुई है इधर, वो देख ऐसे पैर खोले। अब ये कौन से लेके आओगी भोजन? चल आप पीछे हो जाओ, फिर डरती हो आप भी। डर तो आपकी मामा को भी लगता है इनसे। ये भोजन ही कौन से बड़ा होला? वो देखो उसके काम इन्हें ऊपर ही शिफ्ट करें आप। चलो आ जाओ आप बाहर। क्या हुआ नहीं निकलता ना जारू? ये तो ना लगाए। तो आने का नहीं पता फिर जाने का नहीं पता। कितना बड़ा लग रहा है ना। आ जाओ प्लीज बाहर आ जाओ। आप पीछे हो जाओ। चलें देखें कोई अंडा दिया इन्होंने कि नहीं। स्टिक लाओ अंडों के लिए। लिए तो अंडे नहीं दिए, फिर तो फिजूल है ये। हाँ कोई अंडा नहीं। चलो मिट्टू इन्हें सही करके आओ। ये संडे को लेके आए थे हम, लेकिन अभी हमने चेंज करवाया एक मुर्गा, और जो लेके आया ना ब्रा ये फिर अभी भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, छोटा ही है। हम बेसिक लेके आए इनके देसी अंडे खाने के लिए। चल ना से आई हो जाएगी फिर। गंद देखे इन्होंने क्या डाल के रख दिया, मचा दिया गंद। और आप ब्रार नाश्ता कर ले, नाश्ता करने के बाद ब्रार लेके आएंगे अब दूसरा पिज़्ज़ा को स्कूल से, तो फिर उसके बाद जाएंगे ये मुर्गे को चेंज करवाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मुर्गा चेंज करवाना है, तो उतनी देर में आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाए थे कि तोती ने अंडे दिए और उस तोती के अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए हैं, तो मैं आपको अब जूम करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें ज़रा, अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह। ये आई थिंक 3 या 4 हैं ये अंदर तोती के बच्चे। मुझे भी लगा दिएगा। इनके साथ आज बाहर नाश्ता हो रहा है। पहले तो मैंने जब ट्रे लाके रखी है तो मुर्गियां सारी इधर लपकने लगी थी। ये शौक आया ना मुर्गियों के साथ नाश्ता करने का, कैसा एक्सपीरियंस है। खा लेने हैं। हाँ ये भी है ना, इसीलिए भी हम बैठ, ये देखे ना हमारा सारा जो मिनी गार्डन शार्डन हमने रखा हुआ है सारा ये खा जाएंगी चबले। किधर गई है वो देखो, वो है वो निकली भाई। आपके मामू देखेंगे तो क्या कहेंगे, इन्होंने भी मुर्गियाँ रख ली है देखो। मैंने ये भी लगाना है तो वही कह रहा हूँ, पिज़्ज़ा ने तुझे पकड़ लेना। मैंने उनके रखे हुए हैं। हाँ तो जिस दिन की वो रख रहे थे इतनी रोटियाँ बचती थी हर रोज काम वाली लेके जाती थी, जबकि मुर्गियाँ रखी हैं हमारी रोटियाँ भी नहीं बच रही। उसको भी बोलो इधर आए खा ले आके। ए चलो दे। चलो मिट्टू आओ हम भी नाश्ता कर लें आगे। अच्छा ठीक है यही शाल का। मलाई नहीं अभी अभी ये करो ना सुबह नाश्ता। शाल छोड़ो खिलाता हूँ अब डिपो होगा ना तब। चवली है ना, बताए क्या कह रहे थे। तूने मेरा ही लगाया हुआ पकड़ना था। नहीं देखे मैं मेरा जैम ज्यादा लगा हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, इंसाफ करती हूँ, एक जैसी चीज लगाती हूँ। जैम ज्यादा खाती हूँ। ये देखे ये देखे ये क्या है, बटर जैम ही खा रही हूँ। आपने जो अपने पे ज्यादा किया ना इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। जैम तुम नहीं ज्यादा खाती? मैं सब कुछ ज्यादा खाती हूँ, भूख लगी हूँ।
मैं सारे कपड़े गंदे कर रही हूँ। देखो ये देखिए हम इसको कैसे करेंगे नाश्ता, आपको बताते हैं आज। देसी अंडे खाने का सबसे बेहतरीन तरीका। अच्छा, ऐसे करके ऐसे भाई चला गया हुआ बाबा जानी के साथ। गया उधर मुर्गा चेंज करवाने। आप कौन सा लल लाए हैं? उधर से ही। ये तो बहुत बड़ा ले आए हैं आप। उसकी धूम तो देखें जरा। ऊपर वाला। अब्दुल सलाम आपने ट्यूशन नहीं जाना था और थोड़ी लेट आ जाते हैं? जाना है मम्मा। ओए जिंदाबाद। बस यही आ गया है। और मैं यहाँ पर हॉट बटर मिल्क केक है जो वो बेक कर रही हूँ। ब्रार जाती दफ़ा कह के गए थे कि आज मेरे लिए जो है ये केक बेक करना, तो बस ये केक बेक किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाइफ़ है जो हमारी क्लीन है, ये तो इसका मतलब केक परफेक्टली हमारा बेक हुआ है। तो जब यहाँ पे हमने केक जो बेक किया था, विशाल बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम बटर पेपर है जो उसे रिमूव कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। खाना है आपने? कैसा बना है? शुक्र है, हलवा तो पसंद नहीं आया था आपको। और इसकी रेसिपी भी आपको ना जो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो जरूर ट्राई करिएगा। देखें कितना सॉफ्ट बना ये। मजे की है? अच्छा, मैंने नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, पास हो गया। ऐसे कर दो थम्स अप मजे का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग है जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, उससे यह है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाती है। तो इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।